जिस जगह पे जाना है उसी जगह पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बताना है ना, उसी का नाम है ज़ियारत। ये जी अभी जाने आने का सारे जो मक्का की ज़ियारत हैं उन पर जा रहे हैं हम, और यहाँ पर हमें एक पाकिस्तानी फैमिली मिल गई है, उनके साथ हम जा रहे हैं शेयरिंग में। तो हम जो है मैं और मजीद गाड़ी ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी जाना है लेकिन जो है आप हमसे शेयर करें, तो हमने कहा कि ठीक है जैसे आपको सही लगे। तो अभी हम जा रहे हैं उनके साथ। ये पहाड़ का नाम है गारसूर। ये है गारसूर, ये है गारसूर, ये सब दे, ये हाजी लोग देख रहा। अच्छा ये पहाड़ का नाम है गारसूर। अम्मा उधर देखो सामने गारसूर जी, ये है, ये देखें जी, ये जो गारसूर है इसमें ऊपर जाने के लिए जो है ना वो रास्ता बना रहे हैं। ये क्या 5 मिनट लेट होगा क्या होगा, ये देखें, देखो यहाँ पर जो है ऊपर जाने के लिए गारसूर पर जाने के लिए ये रास्ता बना रहे हैं, वो देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये जो रास्ता है ये बना रहे ऊपर जाने के लिए, वरना अभी कोई रास्ता नहीं है ना ऊपर जाने के लिए, अभी कोई रास्ता नहीं है, तो ये रास्ता बन रहा है इंशाल्लाह जब बन जाएगा। जहाँ से ले गया था जी उधर से आदमी पहाड़ के ऊपर जाता था। अच्छा मालूम है ना, अभी जाने नहीं दे रहा, गर्मी है, हाजी को जाने नहीं दे रहा है। अच्छा गर्मी की वजह से, तो फिर जब यहाँ तैयार हो जाएगा फिर चलो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का दोनों जा रहा था, उसके पीछे दुश्मन पड़ा था, काफिर आया था उसके पीछे, इन्होंने पूजा बुढ़िया से ऐसा करके दिखाया, ऐसे में अल्लाह सुभान व तआला पत्थर बना दिया था, एक तोड़ दिया, यह पहाड़ यहाँ तक था, पहले यहाँ तक पहाड़ था, ये पहाड़ यहाँ भी तोड़ दिया, ये तोड़ दिया क्योंकि यहाँ बहुत रश होता, गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता, दूसरे टूट दिया रास्ता बड़ा करने के लिए, ऐसा कहें कि टूट दिया, इनके रास्ता बड़ा करने का कोई जरूरत था भी नहीं। ये पूरा पहाड़ का नाम है गारसूर, पूरा पहाड़ का नाम है जबलेसूर। ये पहाड़ जाके वो दरमियान में तू पत्थर नजर आ रहे हैं पहाड़ के ऊपर, देखो वो पत्थर नजर आ रहा है पहाड़ में, उधर ही गार पत्थर का पीछे जा रहे हैं, गार जमीन के अंदर नहीं है, जमीन के ऊपर। ये जी देखें ये जो दो पत्थर ऊपर है इन पर है गार नजर नहीं आ रहा है, ये जो दो ये सामने पत्थर ऊपर है, पत्थर ऐसे गार है, ये जमीन के अंदर नहीं है। ये जी यहाँ की सऊदीया की यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, जामिया अमलपुरा, जामिया अमलपुरा जो जंदा है, जंदा के बराबर गेट का नाम लिखा है यूनिवर्सिटी अमलपुरा, अरबी में इसको जाम अमलपुरा कहते हैं, ये आज का ये है जी यूनिवर्सिटी यहाँ की जो जामिया अमलपुरा, अमलपुरा यूनिवर्सिटी। और ये जो है हरम पाक की हदूद से बाहर है, वो थोड़ा ही यहाँ पर ही बोर्ड लगा था कि आप जो है वो उससे बाहर हैं, हरम पाक की हदूद से बाहर हैं।
ये वाला, ये जी ताइफ का पहाड़ है ये वाला। ये पूरा मैदान मुतलबा है। कौन सा मैदान मुतलबा? अच्छा, ये जी सारा जो है ये यहाँ पर भी, ये वाला जो रोड है ये सारा मैदान मुतलबा। अभी हम लोग आप लोगों को मैंने बाहर से लेके आया था, मालूम है, वापसी में इंशाल्लाह दुआ करो अंदर से लेके जाएंगे, अंदर से भी दिखाएंगे। ये देखें जी, ये अरफात स्टार्ट्स हियर, और ये जो सारी पार्किंग बनी हुई है ना, अभी अरफात के अंदर है। ये मैदान का नाम है मैदानी अरफात, इस मैदान का नाम है मैदानी हज, इस मैदान का नाम है मैदानी हशर, बाकी अल्लाह जाने। ये जी जो सामने पार्किंग्स बनी हुई हैं, इनमें ये जो पार्किंग बनी हुई है इनमें हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं, और जो जब हज होता है तो ये ऊपर भी होते हैं और नीचे भी, तो कोई भी मसला हुआ, कहीं आग लगी हो, कोई इशू हो, और ये रेलवे स्टेशन है ऊपर तो फुली सिक्योरिटी होती है हज पर, मतलब फुल सिक्योरिटी होती है बहुत ज्यादा। जितना हज होता है इससे ज्यादा सिक्योरिटी होता है। फिर इस मैदान में एक पहाड़ है, उसी पहाड़ का नाम है जबले रहमत। उसी पहाड़ के ऊपर एक पिलार है, सादा पिलार, उस पिलार में कुछ नहीं है, वो सिर्फ पहचान के लिए लगी हुई है। उसी पहाड़ के ऊपर अबू आदम अलैहिस्सलाम का दुआ कबूल हुआ, अम्मा हवा को उसी जगह पे मिलाया था। उसी पहाड़ के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं चढ़ा था, लेकिन उसी पहाड़ को कभी कभी ज़ियारत करवाता था। उसी पहाड़ के नीचे एक दीवार है जहाँ चिड़िया है चढ़ने का, चढ़ने से पहले एक दीवार है, वो पहले उसका जाली नहीं लगाया था, अभी जाली लगाया दीवार को, दीवार में कुछ नहीं है। उसी जगह पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा हज्जुल वदा उसी जगह पे दिया है, तो उसी जगह पे कुरान का आखिरी आयत नाजिल हुई थी, अल्यौम अकमलतु दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया, वही उधर ही है, वो जगह में है। तो उसी जगह वो पत्थर को, दीवार को अभी जाली लगा के क्यों रखा, आदमी पत्थर दीवार को तोड़ तोड़ के पत्थर लेके जाता, वो गुनाह है, वो चिरिक है, इसलिए माना करने से नहीं माना, इसलिए जाली लगा दिया। यहाँ पर हम आ गए हैं और इतनी मतलब गर्मी है, चुभने वाली गर्मी है। ये इन बाबा के साथ इनकी फैमिली है और हम सब साथ हैं इस गाड़ी। ये क्या नाम है जगह? ये जबले रहमत है। जबले रहमत, ये है जबले रहमत। और गर्मी तो है ज़ाहिर है, बहुत सख्त। यहाँ पर भी ये सिम वाले जो हैं, मैंने भी ये ज़ेन की सिम ली है। ये लोग जो हैं वो कटा हुआ फ्रूट खा रहे हैं, मुझे भी खाना है, क्योंकि फ्रूट जो है वो लेकर आना काटना बड़ी मुश्किल बात है, तो यहाँ पर जो है कटा हुआ पैकेट में बंद मिल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, जस्ट लेकर और मुंह में डाल के और चबाना है। वाह, मीठा है यार। तो चलकर लेते हैं फ्रूट, वो तरबूज। ये क्या है? नींबू पानी। हाउ मच अभी भी फायर यार। अच्छा, ये जी ऊपर से ये देखें जैसे बच्चे ने पहना है,
हज के मौके पर ये छतरियाँ फ्री देते हैं। अच्छा, अभी 5 रियाल की जी, इतनी गाड़ियाँ अभी 5 रियाल की है, वो इस तरह फेंकते हैं। अच्छा हाँ, धूप ना लगे, ताकि धूप ना लगे। वो जहाँ से हम हरम पाक से आए, ये सारा पैदल चल के आते हैं? हाँ पैदल नहीं, हम पैदल आए थे, गाड़ियाँ होती है। अच्छा, और यहाँ पर रश होती है? बहुत ज्यादा रश। अच्छा, बस वो नहीं आया शायद, वो नहीं आया। ये देखें जी, फोर्ड, ये सऊदी पुलिस डॉज, ओ ओ जबरदस्त। ये देखें जी, सलाम वालेकुम हबीबी, कितने का? ये वाला सारे 5, ये 10। ये देखें, ये 10 रियाल, ये 5 रियाल, ये तो खट्टा होगा ना? नहीं, 50-50। और इन सब में से मीठा कौन सा है? ये मीठा है, मंग आम मीठा है, मैंगो है ये। ये कितने का? 5 रियाल। ऐसे करते हैं, आगे से होकर आते हैं आपके पास, ठीक है जी? आपको YouTube पर लोग देख रहे हैं, ठीक है? YouTube पर लोग देख रहे हैं, जैसे कोई मेरे मिलियंस के जो है वो व्यूज आते हैं, वो भी बंदा खुश हो गया कि YouTube पर लोग देखेंगे। भाई हम सादा से लोग हैं, गरीब मानू कौन देखेगा। वट हबीब, ठंडा लो ना। अच्छा, ठंडा नहीं है भाई, ठंडा दे दें यार, ये ले लूं? हाँ नहीं, टिश्यू। अच्छा तो बोले ना यार, नहीं पूछना तो लाजमी पूछता है। चलें जी, थैंक यू। होडे वठ हो ना खां, ये देखें जी। अरे अरे यार, वो अंब वी खाऊं मजी तो पानी पिया यार, 1 रियाल में खावत, पूरे 3 रियाल में पानी बोतल भी ले ली। बीमार ना करे, थदो है लाई गलो थी वो। वहां पर चढ़ना है हमें शायद, ये देखें। चलें जी, तो चलते हैं, चढ़ते हैं वहां पर, ठीक है जी? ओके जी। ये कौन सी जगह है? ये जबल रहमत है। ये सामने, ये जो सामने। ये क्या चीज है, इसकी क्या हिस्ट्री है? यहाँ ये वही मकाम है जी, जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा दोनों की जो है ना मुलाकात हुई। अच्छा, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा है जो उन्होंने दुआ की थी, यहाँ पर कबूल हुई। वो यही दुआ मांगते थे ना जी, तो जन्नत से जब उतरे थे ना जी, तो हवा भी जो है वो जद्दा पे उतरी थी। जद्दा अरबी में वो जी दादी को कहते हैं जी। और ये आदम अलैहिस्सलाम जो है वो क्या नाम है, श्रीलंका का कुछ इलाका है, नाम मैं भूल गया, उधर उतरे थे। अच्छा, ये दोनों दुआ मांगते इस जगह पे उससे मुलाकात हुई। अच्छा, आपस में मिल गए, वही जगह सही, मतलब यहाँ पर मिले थे। यहाँ पे मिले थे, ठीक है, क्योंकि दुआ कबूल हुई थी। और ये मैदान अरफात है सही, जहाँ ये रोज क्यामत जो है जो हिसाब किताब का मैदान होगा वो यही होगा। अच्छा हाँ, और मतलब क्यामत के दिन हम यहीं पर खड़े होंगे, यहीं पे ये अल्लाह पाक को लग रहे सारे के सारे जो है मैदान अरफात, और ये रहमत का पहाड़। यहाँ से जो नीचे जो दीवार सा है ना जी, पूछेंगे ना जी, ये इसकी बता रहा था सही सही, ताकि वो देखिए, वो मैंने कहीं से नहीं देखा है। ये देखें जी, हम ऊपर आ गए और वहाँ पर खड़ी थी गाड़ी, वो वहाँ पर ये रोड है इसके आगे, तो किबला तरफ ये है। अभी दो रकात जो नफिल पड़ी वो यहाँ पर पड़ी, ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा मिले थे, दुआ मांगी थी, कबूल हुई थी।
मैदान वो है जहाँ पर महशर में जो हशर का दिन होगा यहाँ पर सबकी अकाउंटेबिलिटी होगी, जो पास हुआ जो फेल हुआ अल्लाह को पता है। छिलण में मसलो हों वढ़ल छिलियल तो मिले हाँ। सलामुअलैकुम। हाँ जी हाल अल्हम्दुलिल्लाह अंत वी वी आई पी हाल सफा। ये ठंडा नहीं है क्या? मैंगो फिनिश। ओए होए पता है भाई है, भाई के पास है वो आपकी तरह रियायत नहीं करेगा, वो बोलेगा 10 बोला तो मुझे 15 दो बस आपसे। भाई भेजा है रियायत करो बस। अच्छा फिर यार वो दूसरे भाई को कहो कि मैंगो लें उसे। ले लो जाओ, उसको बोलो भाई ने भेजा। क्या कहूँ आपका नाम? समीर। समीर कहूँ तो समीर भेजा है रियायत करो, वो उसका पास ये छतरी ऐसा होगा। चलो ठीक है ठीक है। टू फाइव कड़क कड़क समीर ने भेजा। ये देखें जी पुलिस, ये देखें जी पुलिस तैयारा तैयारा। ये है जी वो जो फ्रूट इसके पास तो बहुत सारा पड़ा है, इसके पास सारा पड़ा है, चल के लेते हैं इसे। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। समीर भाई ने भेजा आपके पास, कहा फ्रूट वहां से ले लो, मैंगो उनके पास खत्म हो गया था। और क्या चीज मिली थी? बेश तो वठा ठीक है, एक ये ठीक है, ये मीठी है स्ट्रॉबेरी या कोई दूसरी चीज हो मीठी वो दे दें, ऐसे करें। नहीं ये मीठी नहीं होती, जो मीठा मीठा होता है ना। अच्छा आम मीठा है, आम बहुत मीठा। चलें जी आम दे। कौन सा आम? ये जो आपको चाहिए। नहीं अच्छा कौन सा? ये वाला सब अच्छा, ज्यादा मीठा ही है। तू एक मिनट यार ये देखें, इतना कोई टेस्टी है पाइन एप्पल, इतना कोई कीवी ट्राई कर रहे हो। स्ट्रॉबेरी हलिक तू अडिक अब ये भाई थैंक यू यार। ये देखें ये मस्जिद नमरा, ये जो है मतलब सारा जो भी लोग होते हैं हज में वो जुम्मे की नमाज और पांच वक्त की नमाजें इस मस्जिद के आवाज से पढ़ते हैं। ये सारे जो भी होते हैं सिर्फ दो नमाज, दोहर का नमाज असर का नमाज बस। अच्छा दो नमाज नहीं है। अच्छा ये जोहर असर एक अजान दो नमाज, बहरहाल मतलब इस मस्जिद की आवाज पर पढ़ता है। सही। इसी मस्जिद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देता था इस मस्जिद में। इस मस्जिद में सही जी, इस मस्जिद में, इस मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज पढ़ते थे, खुतबा देते थे। दीवार है ये पहाड़ का नाम नहर जुबैदा। नहर जुबैदा दामन में चलता है ना। अच्छा इसके बीच में ही होता है मतलब। अच्छा सही सही। ये नहर जुबैदा जी जी वो यहाँ देवार जैसा था पहले जी। ये पुराना पत्थर नजर आ रहा है यहाँ एक देखो जी जी। हाँ, 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 ये वाला इधर से आदमी बाल्टी लगा के पानी उठा उठा कर पानी पीता था। अच्छा ये नहर जुबैदा की ढक्कन है, यहाँ से पानी उठा उठा के पीता था, रस्सी लगा के बाल्टी में फेंकता फिर पानी उठा था। ये मीना मुजरबा हर बाद में पानी नहीं था सिर्फ इस मस्जिद में हज का तालीम देता था।
अल्लाह सुबहानहू तआला ये मस्जिद का नाम कुरान पे जिक्र किया, मस्जिद मशायर हराम कुरान पढ़ते हुए ये मस्जिद का नाम भी आता है। ये देखें जी काम चल रहा है, अभी हज की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर पहाड़ है, इधर ये बोट के नीचे जो पहाड़ है ना, वो सीमेंट वाला पहाड़, वो पहाड़, वो उधर दूसरे पहाड़, ये जी यहाँ से मिना जो है वो उधर, वो दूसरे पहाड़, वो दोनों पहाड़ एक ही था। अच्छा ये पहाड़ और वो पहाड़ एक ही थे जो इन्होंने बीच में काट दिए। ये पहाड़ का नाम था जबलेश्वर, जबलेश्वर यहाँ से मिना का जो है वो शुरू है। जल्दी जाना इस जगह पे, अब्राहम बादशाह को खत्म कर दिया। अस्हाबुल फील कहती है वो गुम्बद जैसा नजर आ रहा है। हाँ 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 ये वाला, वो सी जगह पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने के लिए लेके आया था, उसी जगह पे अल्लाह सुबहान व तआला गुम्बा भेजा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अच्छा ये जी वो जगह है जहाँ पर हजरत जो है ना यहाँ पर कुर्बानी कर रहे थे, तो इस जगह पर जो है वो बेटा हट गया, यहाँ पर जो है वो दुम्बा आ गया। दुम्बा आया नहीं, हटा भी नहीं, हटाया गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसको हटा के दुम्बा दे दिया। तो वो है जी ये जगह जिसकी वजह से हम आज तक कुर्बानी करते हैं। उधर फिर भी कहा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या इब्राहिम तुम्हारा कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर लिया। वो ऊपर जो है वो बादशाह का घर है यहाँ का पहाड़ के ऊपर। ये देखें जी मिना का मैदान ये है जो ये खेमे लगे हुए हैं, 5 दिन यहाँ पर रहते हैं। जी पक्का हज करना है, 7 दिन गुजरना है, 2 दिन 1 दिन। इस एक झोपड़ी में कितने बंदे होते हैं? झोपड़ी किधर होता है? ये 5 स्टार होटल से भी ज्यादा। अच्छा अच्छा, ये ऊपर से 5 स्टार होटल से भी ज्यादा है ये भाई, ये कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा, खाना भी उधर, नमाज भी उधर, टॉयलेट भी उधर, सब कुछ उधर। वाह, उधर घूमने कह रहे हैं कि भाई मैंने कहा झोपड़ी, इन्होंने कहा कि ये झोपड़ी नहीं है, 5 स्टार होटल से भी ज्यादा है। नमाज, खाना पीना, वॉशरूम, हर चीज अंदर है इसमें, और 24/7 एसी चलते हैं इसमें। एक दिन अच्छा कम खाते हैं ना, हाँ जी जी हाँ, आना जाना के लिए मुश्किल होता सही है। सही सही, ज्यादातर हाजी हजरात जो है ना अपने साथ फूल वगैरह अपने बैग में रखे ना, जी जी वो खा लेते हैं। इधर नीचे एक मस्जिद है, उसी मस्जिद का नाम है मस्जिद अल खैर। इसी मस्जिद से तकरीबन 70 नबी से ज्यादा नबी गुजर गया। ये जी मस्जिद है, मीना का मस्जिद है। वो सामने 6 बिल्डिंग है, वो बादशाह का बिल्डिंग है पहाड़ के करीब। ये जो देखें जी, ये यहाँ पर बादशाह का बड़ा होल्ड है, सऊदी का जो बादशाह है ना, ये सामने उनका घर था, उधर कोई भी ये पैदल नहीं जा सकता। और ये जो है वे 6 बिल्डिंग जो है ये सामने, ये भी बादशाह की, यहाँ पर भी कोई नहीं जा सकता। ये देखें जी, ये जो सामने पंखे चल रहे हैं ना, इनके अंदर एक जो है वो दीवार है काली, वो है शैतान इसके अंदर। सही, ये देखें वो ले लो करीब से, ये है शैतान, ये शैतान है। सही सही, ये वाला जी शैतान, ये देखें ये है शैतान, ये काली दीवार जो है ये। ये है जी गार हरा सामने, ये वाला ये देखें जी, ये है गारे हिरा। इसकी हिस्ट्री हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो है ना, इसमें
नाजिल हुई जो गारे हरा में। अच्छा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वही थी वो गारे हरा पर नाजिल हुई। गारे हरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर साल में चंद दिनों के लिए इबादत के लिए आया करते थे ना। सही मुकी से निकल के जी ये वही पहाड़ है ना। अच्छा इसके अंदर एक गार सा था ना, इसमें हुजूर पाक सल्लम जी इबादत करते थे। अच्छा जब हुजूर पाक सल्लम इबादत करते तो वो हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर पाक सल्लम को जो है ना वो कोई ऐसी अनोखी सी जी महसूस की ना जी जी। उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के नबी ही है, इस पर प्यारी वही जो है ना इस गार में। देखें जी ये है गारे हरा, ये वही पहाड़ है बिल्कुल सिरे के ऊपर जो ऊपर जो नजर आ रहा है ना जी जी, वहाँ पर जो है ना आ रहे एक तरफ से निकलते दूसरे से निकलते दोनों तरफ से रास्ते हैं। ये जी जन्नतुल माला कब्रिस्तान है और यहाँ पर जो है बीबी खदीजतुल कुबरा यहाँ पर दफन है। ये देखें जी ये जन्नतुल माला कब्रिस्तान बीबी खदीजतुल कुबरा यहाँ पर जो है वो दफन है। अच्छा इस मस्जिद में वो ये जी जिन्नात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो हैं वो यहाँ पर जिन्नात को तालीम देते थे और इस्लाम में जो है ना वो जिन्नात को तब्दील करते थे। ये सामने वाला एक मीनार नजर आ रहा है जी, ये मस्जिद का नाम है मस्जिद अल फतह। मस्जिद अल फतह ये जिस दिन मक्का आजाद हो गया, मक्का फतह हो गया, उसी दिन उसी जगह पे एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा लगाया था, उसी जगह पे एक मस्जिद बना के दिया, मस्जिद का नाम दिया है मस्जिद अल फतह। ये देखें जी हम आ गए वापस और अभी जो है चलते हैं हरम पाक, पानी पीते हैं जमजम क्योंकि बहुत ही तेज प्यास लगी है, कब से मैं पानी नहीं पी रहा, जमजम पीते हैं चल के। ये देखें जी अभी भूख लगी थी हमें और हमने यहाँ से जो है वो मंदी ले ली, चिकन की मंदी। अब देखते हैं ट्राई करते हैं कि कैसी है खाने में, पता तो खाने में चलेगा। के साथ ये पहले ऐसे ये शापर देते हैं दस्तरखान, ये बिछा कर फिर खाएं आराम। इसमें क्या क्या है, ये है और चम्मच है। छड़ी ना कि मोबाइल की छड़ी खोल पकड़ वहाँ खोलें पकड़। ये देखो ये जिसे कहते हैं अरबी मंदी, ये क्या चीज़ है। बिल्कुल ही फीके राइस है। ये जी अभी हम वापस आ गए, पता नहीं 24 रियाल भर के का क्या अजीब चीज थी वो खाई, फीकी ना कोई लून ना मिर्च वाला छा, वो बॉयल करके उसमें वो चिकन की आधा हिस्सा चिकन का सारा आधा हिस्सा डाल दिया था, पता नहीं क्या चीज़ थी। चलो एक्सपीरियंस भी अच्छी चीज़ है। ये जी अभी हम बैठे हुए हैं बिल्कुल ही हरम पाक के सामने, ये मजीद, ये मैं और ये मोहम्मद नवाज सेवानी। डालन खुश आयो सफा मजे में है ता मुझे यूट्यूब चैनल ते अचो ता बुधो मेहरबानी मक्के में वेही हरम के पास में वेही गुजारिश था यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लाइक कर फॉलो कर शेयर कर घनी असानी वीडियो दिसो, तां जी वीडियो दिसन लगा सा के बड़ो हौसलो थिलो।
मेहरबानी अल्लाह से ताहे खुश रखे सलामत रखे। ये देखें जी, ये था मोहम्मद नवाज सेवानी। तो अभी जो है यहाँ से हम निकल रहे हैं, थोड़ी सी ठंड भी है आज, और इंशाल्लाह चलते हैं होटल पर और साथ इंशाल्लाह वीडियोस मेरी आएंगी और बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चलते हैं होटल पर।